हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शक और स्काइथियंस के बारे में। बट इनको पढ़ने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना ज़रूरी है। हमने अभी मौर्यन एम्पायर पढ़ के कंप्लीट किया। हमने जाना कि ग्रेटेस्ट या फिर आप कह लीजिए मोस्ट पावरफुल रूलर थे अशोका। उसके बाद क्या होता है कि बहुत वीक सक्सेसर्स आते हैं, वो पूरे के पूरे एम्पायर को जोड़ के नहीं रख पाते क्योंकि उनकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो खुद में इतने एम्बिशियस नहीं होते। तो अब उस टाइम पे क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका बहुत सारे इन्वेजन्स मीन्स आक्रमण बाहर से होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ होते हैं फॉरन इन्वेजन्स और कुछ होते हैं नेटिव इन्वेजन्स। फॉरन इन्वेजन्स मतलब जो भारत के नहीं है, भारत के बाहर से आकर वो यहाँ पे आक्रमण करते हैं। नेटिव इन्वेजन्स होता है जो लोकली इधर उधर के रूलर्स होते हैं, वो मौर्यन का जो मौर्यों का जो एरिया होता है वहां पे आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं। तो जो शक हैं या जो स्काइथियंस हैं, ये फॉरनर्स हैं, इंडियंस नहीं है, फॉरनर्स हैं, बाहर से आए और यहाँ पे आके बस गए। यहाँ पर आके इन्होंने जो मौर्यों का एरिया था वहां पर आक्रमण किया और अपना छोटा मोटा जो किंगडम था वो वहां पे सेटअप कर लिया। तो फॉरेन इन्वेजन्स में हम चार पढ़ते हैं, इंडो ग्रीक्स जिसे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, शक एंड स्काइथियंस जो हम आज पढ़ेंगे, एंड पार्थियंस एंड कुशांस, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, प्लस नेटिव इन्वेजन्स को भी हम ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे। सो फिलहाल हमने पढ़ना है शक और स्काइथियंस के बारे में। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री इसलिए बताई कि एक बेस आपको बन जाए, आपको समझ में आए कि शक हम पढ़ रहे हैं तो है कहाँ, वो कहाँ से आए। तो समझ गए, मौर्यन काल चल रहा था, अशोका आए, अशोका के सक्सेसर्स वीक हुए, उस टाइम पे देश के बाहर से आक्रमण होने स्टार्ट हुए, देश के लोकल रूलर्स आक्रमण करना स्टार्ट कर गए। तो जो बाहर से आए उनमें से इंडो ग्रीक्स के बाद थे शक या फिर स्काइथियंस, जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है, राइट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। अब टॉपिक आपको समझ आ गया है, एक फाउंडेशन आपकी क्रिएट हो गई है कि हमें क्या पढ़ना है, शक्स और स्काइथियंस के बारे में पढ़ना है। नाउ द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय शक, अब जो इंडो ग्रीक्स हैं उनके बाद आते हैं हमारे शक, ठीक है। अब जो शाकास थे या जो स्काइथियंस थे, इनकी पांच ब्रांचेस थी इंडिया में, कौन कौन सी, एक अफगानिस्तान, अब देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब उस टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट, इंडियन जो कंट्री है इसी का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो पांच ब्रांचेस कौन कौन थी शक्स के, एक अफगानिस्तान में, एक पंजाब में, एक मथुरा में, एक उज्जैन में और दक्कन में। दक्कन कहाँ है, साउदर्न इंडिया में। अब जो मथुरा है वहां पे दे रूल्ड फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज, मतलब 200 साल तक के आसपास इन्होंने रूल किया। उज्जैन जो है रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया, अब उज्जैन यानी एमपी, एमपी मतलब सेंट्रल इंडिया में आता है, बट वहां से ये पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया को कंट्रोल करते थे, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज है। उसके बाद इनके टाइम पीरियड की बात करेंगे कि कब से कब तक इन्होंने रूल किया, तो 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक का इनका टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे आप तो आपके दिमाग में ना खुद से टाइमलाइन एक बन जाएगी। बट चीज ये है कि आपको बीसी और एडी का पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, एडी मींस एनो डोमिनो। टाइमलाइन पे हम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे जो है उसको 0 मानते हैं, उससे पहले वाला बीसी, उसके बाद वाला एडी। अब देखिए पूरी अगर आपको नहीं पता ना इस टाइमलाइन के बारे में कि हम बीसी एडी कैसे लिखते हैं, क्या कैसे मिश करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके लिए मैं अलग वीडियो ले आऊंगी। यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग गई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट आई बिलीव कि आप लोग इतने आगे तक पहुँचे हैं हिस्ट्री में। हमने देखिए मिडिवल पढ़ लिया है, एंशियंट भी हमारा हो जाएगा, तो हम हिस्ट्री ऑलमोस्ट सारी पढ़ ही चुके हैं, तो अभी तक आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं काफ़ी अच्छे से आपको कंसेप्ट समझा दूंगी, आपको दूसरी बार इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो ये ADBC है, बट जस्ट लेट मी नो कि आपको समझ में है इस चीज की या नहीं है, ठीक है। चलिए, सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, द फाउंडर ऑफ शक रूलर इन इंडिया, शक रूलर या शक डायनेस्टी कह लीजिए, कि जो शक डायनेस्टी थी इसके फाउंडर कौन था इंडिया में, तो वो थे मॉइस, ठीक है। अ किंग ऑफ उज्जैन, अब ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अ किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के एक राजा थे जो खुद को क्या कहते थे, विक्रमादित्य कहते थे, ठीक है। उज्जैन के एक राजा थे जो खुद को विक्रमादित्य कहते थे, उन्होंने शक को हरा दिया, ठीक है। और बस यहीं से स्टार्ट हुआ एन ईरा कॉल्ड विक्रम संवत, यहां से एक ईरा, एक काल स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं विक्रम संवत। नाउ दिस इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इवेंट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द शाकास, जैसे ही विक्रमादित्य ने शक जो लोग थे, शक जो डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनको हराया, उसके बाद विक्रम संवत स्टार्ट हुआ, ये इनकी विक्ट्री जो थी शकों के ऊपर वहां से रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज 57 BC से। तो समझ रहे हैं, 57 BC में एक फाइट हुई थी, एक वॉर हुई थी विक्रमादित्य और शक के बीच में, तो विक्रमादित्य ने उनको हरा दिया, वहां से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ 57 BC से, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है,
प्लस इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, देखिए मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड करती हूँ। डेली करंट अफेयर्स मतलब हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं, ठीक है। और पर डे मैं 10 से 12 या 15 कुछ अप्रॉक्सीमेट, कई बार 10, कई बार 12, कई बार 15 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, देखिए मैं 4-5 वेबसाइट से करती हूँ, कुछ एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की हैं, कुछ मैं वेबसाइट से देखती हूँ डेली, तो वहाँ से जो भी मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं करंट अफेयर्स, जो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स में आने की, उनको मैं लिखती हूँ, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आपके बढ़िया नोट्स वहाँ से बन जाएंगे अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे द मोस्ट फेमस शक रूलर इन इंडिया। इंडिया के सबसे ज़्यादा फेमस शक रूलर कौन थे? रुद्रदमन। वेरी इंपॉर्टेंट। 130 से 150 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। नाउ अब ये तीन चीज़ों के लिए फेमस है, वो तीन पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, ही वॉज फेमस फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। मिलिट्री लेवल आप समझते हैं, आर्मी में बहुत स्ट्रांग थे, तो बहुत उनकी जैसे कहते हैं ना मिलिट्री लेवल में, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, पर्टिकुलरली अगेंस्ट सातवाहन। सातवाहन से इनके युद्ध होते रहते थे, तो उनको हराते रहते थे। तो रुद्रदमन जो है अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। सेकेंड आता है फॉर इज पब्लिक वर्क्स, समाज सेवा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। समाज सेवा कैसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही रिपेयर्ड द फेमस सुदर्शन लेक इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात के काठियावाड़, जो कि एक सूखा सूखा सा एरिया है, सेमी एरिड रीजन है, वहाँ पे इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। अब अगर रिपेयर करवाया था तो सुदर्शन लेक बनाई किसने थी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सुदर्शन लेक के बारे में सब कुछ फिलहाल आप समझ लिए, इन्होंने मतलब किन्होंने, रुद्रदमन ने उसको रिपेयर करवाया था। थर्ड पॉइंट आता है फॉर हिज पैट्रोनेज टूवर्ड संस्कृत। संस्कृत की बहुत सुरक्षा के लिए उन्होंने पैट्रोनेज दी, पैट्रोनाइज किया। ही इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इन चाश्ते संस्कृत एट जूनागढ़। जूनागढ़ एमपी में चाश्ते संस्कृत की सबसे लंबी इंस्क्रिप्शन इन्होंने इशू की थी, किन्होंने? रुद्रदमन ने, ठीक है। तो पहला हो गया मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए फेमस थे, पब्लिक वर्क सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया इसलिए फेमस थे, और थर्ड आता है संस्कृत को पैट्रोनाइज किया इसलिए फेमस थे। नाउ अदर इंपॉर्टेंट शक रूलर्स इन इंडिया। इंडिया में और भी इंपॉर्टेंट शक रूलर्स थे, कौन कौन थे? नहापना, उषा देवा, चाश्तना, गमाटिका एक्सेट्रा। बट ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, इनके बारे में कुछ भी नहीं है खास पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में तो आपको बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे सुदर्शन लेक के बारे में, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, देखिए अगर आप चाहें तो नोट्स अपने आप बना सकते हैं, बट इनके सब जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ़ यू परचेज माई हैंड रिटन नोट्स, राइट। साथ में वीडियोज देखिए, जो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सो हमने पढ़ना था सुदर्शन लेक के बारे में, ठीक है। तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने कंस्ट्रक्ट की थी, वो कौन थे? गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, इन्होंने बनाई थी सुदर्शन लेक। अब पुष्यगुप्त को विष्णुगुप्त से मत कंफ्यूज करना, विष्णुगुप्त ही माने चाणक्य, माने कौटिल्य, वो अलग थे, वो पीएम थे चंद्रगुप्त मौर्य के, लेकिन जो पुष्यगुप्त हैं वो अलग है। मैंने देखा बहुत सारे लोग, अरे वही जो पीएम थे जो चाणक्य थे, नहीं, उनका नाम विष्णुगुप्त था, ये पुष्यगुप्त है, याद रखना है। तो कंस्ट्रक्शन किसने की? पुष्यगुप्त ने। डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द लेक बाय, अब इस झील के ऊपर एक डैम भी बनाया, वो किसने बनाया? तुषस्प ने बनाया। ये किसके टाइम पे थे? तो ये इन्होंने जब ये डैम बनाया इस लेक के ऊपर, उस टाइम पे रूल कर रहे थे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, उन्हीं के आप कह सकते हैं ग्रैंड सन थे अशोका, ठीक है। फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन, अब होता है ये कोई चीज़ बनाई तो बार बार रिपेयर भी करवानी पड़ती है, तो फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन या फर्स्ट रिपेयरमेंट किसने करवाई थी? गवर्नर थे सुविशाख, रुद्रदमन के अंडर इन्होंने, यहाँ पे जो हमने पढ़ा इन्होंने करवाई थी। और सेकंड किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त, ये गुप्त रूलर थे स्कंदगुप्त, इनके अंडर थे चक्रपलित, उन्होंने करवाई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आगे चलने से पहले एक चीज़ और, अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें एंड मुझे अभी के अभी फॉलो करें। तो देखिए हम फॉरेन इन्वेजन्स पढ़ रहे थे, मोस्ट पोस्ट
मॉरियन पीरियड का। तो हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ लिया, हमने शक और स्काइथियंस के बारे में पढ़ लिया, अब हमारे पास बचते हैं पार्थियंस एंड कुशांस। इन दोनों को ही हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ पढ़ेंगे एंड देन हमारा जो फॉरेन इन्वेजन वाला पार्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद बचते हैं नेटिव इन्वेजन, तो वो भी हम करेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं डेली जो है 2 से 3 वीडियोज अपलोड करना मेरा टारगेट होता है तो मैं वो अपलोड भी करती हूँ। तो आप अगर इतना भी पढ़ते हैं एक दिन में, इतने भी नोट्स बनाते हैं, बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बिलीव मी बहुत अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी थोड़ा बहुत फायदा हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।